आज हमारे साथ कोर टीम के लीगल एडवाइजर अभिषेक चौबे और रोशन झा जी हैं, जो पटना हाई कोर्ट में हमेशा मौजूद रहते हैं हर सुनवाई में, और दिसंबर केस का आंखों देखे हाल आज ही आपको बताएंगे, क्योंकि पूरे ग्रुप में, पूरे बिहार में अफवाह फैल रही है कि दिसंबर केस जीत रहा है और तरह तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इस बात की मास तहकीकात करेंगे, तो आइए आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले रोशन झा और अभिषेक चौबे जी, स्वागत है आपका विद्या मंत्र पे। धन्यवाद जी चंचल जी, नमस्कार सर। आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आखिर दिसंबर केस का आधार क्या है? चंचल जी, दिसंबर केस का रिट एक बेबुनियाद तरीका से पेटिशनर के द्वारा किया गया है केस है। इस केस पे चर्चा करने से पहले हम कुछ प्राथमिक शिक्षक बहाली के फ्लैशबैक में बताना चाहता हूँ। प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञापन बहुत सारे साथियों के सामूहिक प्रयास के बाद 5/7/2019 को निकला, जिसके बाद किसी न किसी रूप में 4 बार फॉर्म भरने की तिथि विस्तारित किया गया। इस बीच शिक्षा विभाग द्वारा 12/9/19 को इस बहाली संबंधी दिशा निर्देश के लिए एक लेटर निकला, जिसमें पॉइंट नंबर 2 में पूरा क्लियर कर दिया गया वही अभ्यर्थी इस फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल है जिनकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि 23/11/19 तक पूरा कर लिया गया हो। और एक बात हम और सभी साथियों को जानना होगा कि आवेदन के समय किसी न किसी रूप में कारणवश एनआईओएस वाले अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया गया था, जिसके कारण कुछ एनआईओएस वाले साथी 19842/2019 के पेटिशनर संजय कुमार जी के द्वारा एनआईओएस डिग्री को मान्यता दिलाने के लिए इस बहाली में शामिल करवाने के लिए पटना हाई कोर्ट में रिट किया गया। इनके साथ सभी 7 केस टैग थे जो अंतिम के 7/11/2019 तक फाइल कर दिया गया था, जो कि आवेदन की तिथि से पहले किया गया था। इसके बाद 21/1/2020 को एनआईएस वाले साथी के फेवर में जजमेंट आया, उसी के आधार पर एनआईएस वाला साथी को जो 23/11/19 तक अपनी सभी अहर्ता पूरा कर लिए थे, उन्हें एक बार पुनः 15/6/2020 से फॉर्म भरने का मौका मिला। इसलिए इस केस में दिसंबर वाले साथी को इससे ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है, उनका समय और पैसा का दुरुपयोग हो रहा है और उन्हें इस बहाली को पूर्ण होने के बाद नई बहाली फिर से निकलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, रोशन जी, जो मैं कि एक इसमें सार्थक कदम रहेगा। रोशन जी, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि ये कट ऑफ डेट का मसला क्या? ये लोग कहते हैं कि 8 जून को बहाली निकला है और इस 20 दिसंबर का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता 27 दिसंबर 2019 को, तो इनको वंचित किया गया, तो एग्जैक्ट कट ऑफ बात क्या है डेट, इसके अंदर? कट ऑफ डेट का मामला ये था कि जो 12/9/19 विभाग से जो 12/9/19 सितंबर को जो लेटर निकला था, उसमें मतलब क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि जो सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अहर्ता आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होनी चाहिए, और दिसंबर वाले जितने भी साथी हैं वो दिसंबर में जब मतलब दिसंबर में टीटीईटी का एग्जाम ही दिए हैं, तो ऑलरेडी है जो 23/11/19 के बाद मतलब उनका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अहर्ता हो रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 8 जून का जो विवाद ये लोग खड़ा करते हैं बाहर कोर्ट में कि 8 जून को विज्ञापन निकाला गया, उसमें हमें वंचित किया गया, 8 जून का मसला मुझे बस संक्षिप्त में बताइए आप, 8 जून को क्या निकाला था? 8 जून का जो लेटर है, 8/6/2019 का जो लेटर है, ये एक विशेष 8/6/2020 का जो लेटर है, ये एक विशेष परिस्थिति के लिए निकला था, जो संजय कुमार यादव जी का 19842/2019 केस का जो जजमेंट 21 जनवरी 2020 को एनआईएस वाले के फेवर में आया था, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव विज्ञापन था, ना कि मतलब दिसंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ठीक है, मतलब जो वंचित रह गए थे कट ऑफ डेट से पहले, 23/11 से पहले और कोर्ट से जीत के आए थे, उनको विशेष परिस्थिति में आवेदन करने का मौका दिया गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें क्या बहस हुई है? देखिए, दिसंबर सीटेट केस 66/64/2020 राहुल किरण के द्वारा 25/6/2020 को फाइल किया गया, लेकिन किसी न किसी कारणवश से 67/67/2020 केस जो 26/6/2020 को फाइल किया गया, उसकी सुनवाई पहले 1 जुलाई 2020 को हुई, जिसमें नियोजन पत्र पे स्टे लग गया,
जिसका कारण ये था कि पेटिशनर के एडवोकेट ने जो 8/6/2020 का एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन को गलत ढंग से पेश किया। इस दिन ना तो गवर्नमेंट के एडवोकेट सही ढंग से तथ्यों को रख पाए, ना हम लोग की तरफ से कोई इंटरवेनर था जिसका नतीजा बहाली पे मतलब कि कोर्ट को गलत डाटा बता दिया कि 8 जून को जो विज्ञापन निकला है उसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि वो 2020 को ही विज्ञापन का डेट बताया, जबकि वो सुपर एक्सक्लूसिव था, एनआईएस के लिए विशेष प्रस्तुति के लिए आवेदन आया था, ये एक्सक्लूसिव नोटिस। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं, ये बात कोर्ट बिल्कुल जल्दी संज्ञान में अपने लेगी। हमारे साथ अभिषेक चौबे जी हैं। चौबे जी आपका स्वागत है, मेरा आपसे सवाल ये है कि आगे का भी डेट चर्चा नहीं, 8-9 सुनवाई का। बिल्कुल हमारे साथ है अभिषेक चौबे जी। चौबे जी आपसे मैं जानना चाहते हैं कि पिटिशनर के द्वारा जो ऑडियो वीडियो जारी किया जाता है उसमें जीत का दावा किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं अंतिम दो सुनवाई जो 8 सितंबर और ये 22 सितंबर को हुई है, मैं योगेश चंद्र वर्मा के कोर्टरूम में मौजूद था और वहाँ पर जो 8 सितंबर का मैं बताता हूँ कि उस दिन ये राहुल पीएम का गलत तरीके से एक बिहार एसएससी के केस में टैग हो गया था, जिसके चलते हम लोग का केस का कोई फाइल उस दिन नहीं पहुंच पाया, अतः उस दिन कोई सुनवाई हुई नहीं। हम लोग का इंटरवेनर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, ना तो कोई पक्ष में बोला ना तो विपक्ष में बोला। उस दिन कोई एडवोकेट फीस भी हम लोग से नहीं लिया गया, कोई बहस में जज ने सीधे डेट उसको 21 को कर दिया था जो 22 को सुनवाई हुई। अब 22 का मैं बताता हूँ, 22 को हुई क्या कि पहले जज ने सारे इंटरवेनर को एक्सेप्ट कर दिया और साफ के स्टेट था उसको अलाउ सभी को कर दिया, और उसके बाद क्या कहा जाता उसमें उन्होंने सबको बोला कि डेट दे दिया 2 नवंबर का। उसके बाद हमारे तरफ से जो योगेश चंद्र वर्मा थे और शाही जी दोनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आप कल का डेट दे दीजिए। इस पर जज उन पर बहस होने लगी, लेकिन इन पेटिशनर की तरफ से कोई वकील कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ यूआईसी वर्मा योगेश चंद्र वर्मा ने उसका विरोध किया और जज की तरफ से कुछ क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन का जवाब दिया गया, बस यही बात हुई। 2-5 मिनट की बहस उस दिन हुई है, अब अगले डेट में इस केस का फाइनल हो जाएगा। चौबे जी मैं आपसे एक सवाल ऐड और करना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे सवाल दिया कि 8 तारीख के बहस में किसी के वकील से फीस नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो चंदा उगाही गैंग है वो अभ्यर्थी को गलत तरीके से चंदा पेश करके और उनसे चंदा मांग रही है, यानी कि आपने फीस नहीं लिया। उस दिन कुछ नहीं हुआ, कोई फाइल ही नहीं था जज के टेबल पर, मतलब उस दिन किसी का पैसा नहीं लगा, किसी को वकील को पैसा देना नहीं पड़ा, ना पिटिशनर को ना इंटरवेनर को। ये नहीं हुआ, हम ये पिटिशनर का नहीं बता सकते, हम लोग के जो वकील है उनके तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया, दूसरों का नहीं बता सकता। चौबे जी पिटिशनर की तरफ से कई सारे दावे किए जाते हैं कि लोग साथ साथ वकील को रख रहे हैं, क्या इनके वकील वाईवी गिरी और सातों वकील हर सुनवाई में मौजूद रहते हैं कोर्ट में, आपको लाइव देखते हैं सारा सुनवाई? वाईवी गिरी तो पिछले बार केस में तय ही हुए हैं। अच्छा, और कुछ नहीं बोला है कोई पिटिशनर का वकील, कुछ नहीं बोला। अच्छा, कोई बहस नहीं हुई उनकी तरफ से, वो तो तय ही हुए पिछले 22 नवम्बर, मतलब की वाईवी गिरी 22 सितंबर को ही लास्ट बार दिखाई थी, तो उससे पहले वाईवी गिरी किसी सुनवाई में नहीं आए। उनका केस नंबर 7721 जो है, अच्छा अच्छा, 22 सितंबर को ही तय हुए। अच्छा, तो अच्छा दूसरी बात, कितने वकील मौजूद रहते हैं पिटिशन की तरफ से, कहे जाते हैं 7-7 वकीलों की फौज है, कितने वकील को आप देखते हैं सुनवाई में? जी नहीं, वो पहले तो सिर्फ हम ही लोग से जो 6464 जो है 6767/20.2 उसमें तो सिर्फ रितिका रानी और रीनू कुमार ही थे, वो 22 सितंबर को सारे केस टैग हुए हैं, उस दिन अलाउ ही किया गया। अच्छा अच्छा, और यहाँ 2 नवंबर को सारे लोग मौजूद हैं। अच्छा चौबीस जी, मैं आपसे अगला क्वेश्चन में और ऐड करना चाहूंगा कि क्या आगामी सुनवाई जो 2 नवंबर निर्धारित की गई है, क्या उसमें जजमेंट आ सकता है? जी जी, आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि सबसे लिखित जवाब मांगा गया और जब वो लिखित जवाब पढ़ तो उस दिन फैसला सुना सकते हैं कुछ बहस होने के बाद। अच्छा अच्छा, मतलब कि 2 नवंबर को हमारा जजमेंट आ जाएगा और कहीं ना कहीं मसला जो है पूरी तरीके से इनकी मांग निराधार है, क्योंकि ये लोग 23/11 तक अपना योग्यता ही निर्धारित नहीं कर पाए, तो साथ ही जैसे कि रोशन जी ने कहा कि 12 सितंबर का लेटर भी इन्होंने कोर्ट को छुपा के रखा है, कोर्ट को नहीं दिखाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, जो भी क्वेश्चन है आपका, इसका सारा जवाब सरकार को देना होगा। ये अब आगामी जो सुनवाई होगी इसमें सरकार को सारा क्लियर करना होगा, मतलब कि
मतलब हम उम्मीद कर सकते कि 2 नंबर सुनवाई में फैसला आने की पूरी संभावना है। जी जी पूर्ण संभावना, क्योंकि अब ना तो कोई केस ट्रायल होगा ना कोई इंटरवेनर बनेगा, अब सबसे लिखित जवाब मांग लिया गया, सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, मेरा अगला सवाल रोशन झा जी से। रोशन झा जी, आपसे जानना चाहते, बिहार के लाखों अभ्यर्थी परेशान है, ये जानना चाहते कि आखिर बहाली कब तक होगी, क्योंकि नवंबर में डेट है, नई सरकार बन जाएगी, तो बहाली कब तक होगी, इस पे कुछ अपना रुख स्पष्ट करें। देखिए चंचल जी, प्राथमिकता का केस का जजमेंट जैसे हम सभी को पता है 9 नवंबर की संभावना है, अभी बिहार में फिलहाल 9 नवंबर को अभी बिहार में फिलहाल चुनाव भी है, फिर नई सरकार का गठन होगा। मुझे जैसा लग रहा है हम लोग की बहाली जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 के बीच में होने की 100% संभावना है, तब तक दिसंबर केस का जजमेंट भी आ जाएगा और नियोजन पद से स्टे भी हट जाएगा। मतलब ये आपकी संभावना, लेकिन अभ्यर्थी प्रयास करे तो जजमेंट के बाद नवंबर में अभ्यर्थी प्रयास करे, आंदोलन करे, तो नवंबर में बहाली हो सकती है, हम लोग प्रयास करें। सही, नवंबर में संभावना कम लग रहा है, लेकिन जनवरी से आपको मार्च के बीच में, क्या कि उस बीच में सरकार का गठन का भी प्रोसेस रहता है ना। ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे। मेरा अगला सवाल चौबे जी से लास्ट सवाल है। चौबे जी, इनके वकील कह रहे थे पिटिशनर की कि डायरेक्टर को कट ऑफ डेट डिसाइड करने का अधिकार नहीं होता, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए डायरेक्टर को कट ऑफ डेट करने का अधिकार नहीं रहेगा तो क्या सीएम को रहेगा? अच्छा, शिक्षा विभाग के जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव है उन्हीं को है। अच्छा, या भी सही है, ये सिर्फ काउंटर में उन्होंने ऐसा नहीं बताया, इसके चलते कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट डेट जो होगा उसमें सरकार को क्लियरली सब बातों को बताना होगा और कैसे वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि ये पूरा हक है डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी को कट ऑफ डेट निर्धारित करने का, इनके द्वारा जो दलीलें दी जा रही है वो निराधार और गलत है और भ्रामक अभ्यर्थी को भड़काऊपन के लिए खाली है। जी जी, शिक्षा विभाग विज्ञापन निकाल रहा है तो कट ऑफ डेट कोई अलग विभाग कैसे तय करेगा? शिक्षा विभाग निकाल रहा है विज्ञापन तो वही तय करेगा कट ऑफ डेट इसका क्या होगा। अच्छा, सोचने वाली क्या बात। चौबे जी, आप एक आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे तमाम बिहार के टीटी बीटेक पास अभ्यर्थियों को, जो कि आपका ये ऑडियो इंटरव्यू सुन रहे हैं, क्या उनको कहना चाहते हैं बहाली को लेकर, क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं आप? यही देना चाहते हैं कि जो हम लोग का पक्ष काफी मजबूत है और 2 नवंबर की सुनवाई का इंतजार करिए और देखिए उस दिन क्या होता है। सरकार की तरफ से एक अच्छा काउंटर आना जरूरी है। अच्छा, हम लोग उसी को डिफेंड करेंगे। अच्छा, और हम लोग का जीत सुनिश्चित। रोशन जी, आप क्या कहना चाहेंगे दो सब हमारे तमाम बिहार के अभ्यर्थियों के लिए? हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और दिसंबर का केस हम लोग जीत रहे हैं, समझे, दिसंबर का केस हम लोग के फेवर में आने की मेरा संभावना है। बिल्कुल, तो आप अभी सुन रहे थे रोशन झा और अभिषेक चौबे जी को, जो काफी हमारे लीगल एडवाइजर है। इनका कहना है कि दिसंबर का मैटर कुछ नहीं है, बेसिकली इनको कंफ्यूजन इस बात का है कि 8 जून 2020 को जो विज्ञापन निकला है वो एक विज्ञापन है, वो एक शेड्यूल था, वो सुपर एक्सक्लूसिव शेड्यूल बस NIS की निकाला गया था, जिनको की कोर्ट से मान्यता मिली थी, ना कि सबके लिए है। और सवाल, अगर NIS को मान्यता नहीं मिलती तो आज दिसंबर ये मांग नहीं कर रहे होते, तो ये इनकी मांग निराधार है दिसंबर की इस बहाली में शामिल होने की। इससे बेहतर होगा कि लोग नई बहाली की मांग करें, सरकार से नई रिक्तियां मांगे, इसमें हम इन सब उनका साथ देने को तैयार है, बस अब इस बहाली में वो गंदी निगाह से अपनी नजर ना डाले, क्योंकि इसमें इनकी जीत सुनिश्चित नहीं है और इनमें इनको करारी हार मिलने जा रही है। और मैं तमाम चंदा चोरों को, दलालों को कहना चाहता हूं कि आप किसी मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारे साथ पूरी टीम का साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का साथ देने के लिए और अपना इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद।